इग्नोर करना है 424 आर अरीब को, कोई जवाब नहीं, वो बोली जाएगा आपने उसकी उसकी तरफ देखना भी नहीं है। सीन करके रिप्लाई नहीं कर रही, क्या हो गया? लैश चल रही है आपकी, ये क्या हो रहा है? नहीं जवाब देना। हेलो, अच्छा लैशेज अच्छी है, है जनाब? लालियां क्यों आ रही है? ऐसे नहीं मानेंगे। कौन मैं? मेरे साथ ये नहीं, मैं अफोर्ड कर सकती गाइस। जैसे ही जून जुलाई का मौसम जो महीना है वो स्टार्ट होता है, वैसे ही जो है वो गर्मी की इंटेंसिटी बहुत तेज हो जाती है। एसी वैसी भी काम करना एक टाइम पे एक पॉइंट पे बंद हो जाते हैं, बर्फ जो है वो फ्रिज में खत्म होना स्टार्ट हो जाती है। तो अभी ठीक वही वाला मौसम है। और आजकल चर्चे हैं भाई फालसे का जूस बनाओ और अपना दिमाग और दिल दोनों ठंडे रखो। अरीब साहब घर पे नहीं है, अरीब साहब बे में है, अपने काम से निकले हुए थे। फिर आपको पता है जब काम से फ्री होते हैं फिर जनाब या तो क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं अपने स्पोर्ट्स पे। लेकिन आज जो है वो मैं उनके साथ एक ऐसा टास्क परफॉर्म करने वाली हूँ जिसके बारे में मुझे बड़े कॉमेंट्स आए थे कि वो आपने करना है, लेकिन मैं अकेले करती तो शायद उस तरह से इंटरेस्टिंग ना हो पाए। अब चूंकि अरीब की सिस्टर भी आई हुई है, भाभी भी साथ होंगी, बाकी के बच्चे भी होंगे, उनके जीजा जी भी होंगे, तो हम सबको जो है वो अपने साथ इस खेल में शामिल करेंगे। हम सोच रहे होंगे कि यार ये इकरा कवल आज अपने हस्बैंड के साथ करने क्या वाली है। इग्नोर करना है 424 आर अरीब को, उनकी बहन भी इग्नोर करेंगे, उनकी भाभी भी इग्नोर करेंगे, उनके जीजा जी भी इग्नोर करेंगे और बच्चों से भी हम इग्नोर करवाएंगे। अभी नीचे चलते हैं, उन सबको पहले मैं अग्री करती हूँ, उसके बाद जो है वो हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। आप लोगों से पहले अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कॉमेंट कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। नॉक नॉक। अस्सलामुअलैकुम। बच्चा पार्टी नंबर वन, बच्चा पार्टी नंबर टू, एक और बच्चा था, वो किधर है? किधर है वो भैया? उधर है, किधर? चलो मैं समझा देते हैं कि बाकी भैया किधर है। ये भैया नंबर थ्री जो है वो यहाँ पे जो है ना वो सो रहा है और इतना मदोश हो के सो रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। से माशाल्लाह गाइस। चले जी भाई, अब सारे यहाँ पे इकट्ठे हो जाओ सब लोग। आज का सीन है कि आप लोगों ने अरीब को इग्नोर कर मेरे साथ मिलके, मैं भी करूँ। वो हमें इग्नोर कर रहा है ना, तो अब जब वो घर आएगा वो हमें इग्नोर कर रहा है, हमने उसको इग्नोर करना है, और कितना करना है? तो जितना किया जा सकता है 24 घंटे के लिए, जब तक वो आपके सामने, कोई जवाब नहीं, वो बोली जाएगा आपने उसकी उसकी तरफ देखना भी नहीं है। आपने कहना कि अच्छा टीवी, अच्छा बच्चों, अच्छा भाभी, अच्छा बेगम, बस हाँ। तो अच्छा नहीं था, आप लोगों के बदले भी मैंने ले लिया। ये सब दोनों बहन भाई है ना अरीब के, ये अपना बचपन के बदले ले। तो भाई सारे घर वाले हमारे साथ डन हो चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं, ठीक है। हमने सीन करके नो रिप्लाई करना, ब्लॉक नहीं करना, ओके गाइस। हम लोगों ने प्लानिंग कर ली अरीब को इग्नोर करने की, लेकिन अरीब है ही नहीं है। क्या हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने? चलना है अभी, जा रहे हो? कौन कौन जा रहा है शॉपिंग पे? मैं, आप चलना पसंद करेंगी? हम, आप कहते हैं तो हम चलना, आप हमारी बात मान रही, हम आपकी बात मानेंगे। आ जाए आ जाए आ जाए, आपने बस मेरे हस्बैंड को ऐसा इग्नोर करना है कि वो जिंदगी भर याद रखे, वो याद रखे कि मेरी बहन ने मुझे इग्नोर किया। पहले शॉपिंग पे जाते हैं, उसके बाद अरीब आएंगे, फिर इग्नोर करेंगे। लेट्स गो। चलो जी हम निकल गए हैं घर से, अब पहुंचते हैं शॉपिंग मॉल, वहां से जाके जो है ना वो बच्चों की ईद की शॉपिंग करनी है। चलो जी हम लोग जो है ना वो शॉपिंग मॉल पहुंच गए थे, यहाँ पे बच्चों की चीजें सिलेक्ट की जा रही हैं, बच्चों के लिए ईद की शॉपिंग हो रही है। और यहाँ मैं आई हूँ तो मुझे पता चला है कि मेरी ना एक अदद बहन इस मॉल में घूम रही है, थोड़ी देर में मैं आपको उससे मिलवाने वाली हूँ। चले जी ये सर हमें मिले हैं, आपके घर वाले देखते हैं मैं ठीक ठाक, कैसे हैं आप? नाम भी मेंशन कर दें। आपका नाम क्या है? अहमद। अहमद साहब हमें मिले हैं यहाँ पे, जिनकी फैमिली हमें देखती है भाई, थैंक यू सो मच। सब माशाल्लाह फॉलो करते हैं आपको, थैंक यू। सारे फैमिली मेंबर्स जो है हमारे वो तो सब जो है ना दीवाने हैं आपके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, मेरी तरफ से ढेर सारा सलाम प्यार आप लोगों को। और मेरी बहन मुझे मिली, ये तुम सारा दिन जो है वो मॉल में घूमती रहती हो? नहीं, मैं इधर आई थी,
यहाँ लोग मेरे साथ मेरे पास आए हैं मिलने के लिए, ठीक है। हर बंदा मुझे बता रहा है मैं मिनी माइनर नहीं आई थी, मैं नीचे ही घूम रही थी, इतने ज्यादा फैन रहा है। मैंने कहा हेलो कैसी है, मैंने कहा कहती आप भी तो आती रहती है यहाँ पे, देखो आप भी आप आप ही ने कॉल की, मैं आई थी इतनी, दो चार खाना खाई थी, मैंने कहा मुझे छोड़ दो यहाँ पे, तो मैं आ गई आपके पास। ओह माय गॉड, तो हम लोग भी यहाँ पे शॉपिंग करने आए हैं, लेकिन तुम्हें तो आपका क्या काम है मिनी माइनर का? मेरा काम यह है कि वो अपने बच्चों की शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी, मैंने कहा चले मैं भी साथ चलती हूँ। चलो शॉपिंग, नीचे में आई, किसी ने मुझे बोला वो चेक करो अभी अभी ऊपर गई है जैनब भी आ गई, मैंने कहा घूम रहे थे। यहाँ से बस हम चीजें भी देखते हैं फिर निकलते हैं, फिर कुछ अपनी चीजें भी मैं देख लूंगी, अरीब के लिए भी देख लूंगी आज। वैसे हम लोग अरीब को पागल हो तुम, तुम्हारी बर्थडे पे ना तुम्हें दे दूं क्या? अरीब को आज 24 आवर के लिए इग्नोर करने वाले हैं हम सारी फैमिली, मैं भी करूंगी, तुम्हें भी फोन करेंगे, तुम्हें भी इग्नोर करेंगे, तुम्हें नहीं करेंगे वो। उनको पता ही नहीं है ना मैं आपके साथ हूँ, लेकिन क्या पता कर ले उनको दूर से, अब वो गाड़ी में है ना अपने पास? नहीं वो आए नहीं है साथ, वो है ही नहीं है घर पे। अच्छा? हाँ। मैंने फिर हैवेल कोई और गाड़ी देखी थी। चले जी, हम लोग शॉपिंग वॉपिंग से हो गए थे, फ्री ये एक बच्चा साथ लेके जा रही हूँ मैं, मानो की दोस्तों ने मानो को डिच करा दिया, मानो को मेरे पास छोड़ दिया और अब वो मेरे साथ घर जा रही है। मानो तुम्हें मैं बता दूँ, घर अगर अरीब आए हुए तो क्या करना है? इग्नोर। ओके क्या करना है? यस, ना सलाम ना दुआ, दिल में कह देना सलाम अलैकुम, अगर उन्होंने आने कर दिया तो आपने इग्नोर करना। आई विल रिकॉर्ड, मजा आएगा। आई A few moments later. चलो जी गाइस, फाइनली हम लोग जो है वो घर पहुंच चुके हैं, लेकिन जिसको इग्नोर करना है वो तो घर ही नहीं है, वो घर नहीं है, नहीं है। देख ले चेंज कर देते हैं, हम लिखो कि अरीब इग्नोरिंग अस, कसम से वो ऐसे ही रहा ना, उसकी कॉल आई है ना कुछ, अगर वो घर भी नहीं आया घर हो, गाड़ी भी नहीं खड़ी हुई बाहर। हाँ जी बिल्कुल नहीं खड़ी। हम लोग घर पहुंच चुके थे लेकिन अरीब साहब जो है वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं, थोड़ी देर में वो पहुंचने वाले होंगे क्योंकि हम लोग अच्छा खासा टाइम लगा के आए यार। नहीं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, तो काम से गया होगा वो, वैसे डेली रूटीन में उसका काम इग्नोर करना, आज हम कर, लेकिन अगर वो जैसे घर हुई है बेल उसको तो कर। चले जी, हम लोग पानी शानी पी के फ्रेश हो गए हैं, लेकिन अभी जो है वो हम लोगों ने जाना था एक दावत पे, मेरी और अरीब की जो है ना वो दावत है अरीब के दोस्त की तरफ, तो मैं तैयार होती हूँ, अरीब साहब अभी तक नहीं है, मैं फोन करके नहीं पूछूंगी, मैं इग्नोर करूंगी, फुल तैयार होती हूँ, तैयार होके फिर आती हूँ, लेट्स गो। चला जा मानो, मैं करती हूं आके चेक कर रही है क्या पहन रही हो आज। हाँ जी, ये रेड जोड़ा पहन रही हूँ, अरीब साहब की बेबी कपड़े निकाल रहे हैं। अब गाइस मेरी ट्रांजिशन होने लगी है, 1 2 फाइनली मैं हो चुकी हूँ तैयार और मेरे हस्बैंड साहब को ना थड़थड़ी पड़ गई है, अब जो है वो उनके मैसेजेस आना शुरू हो गए। मुझे पता था कि जब दावत के लिए निकलना हो तो उनके मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं कि इकरा मैं आ रहा हूँ, तो उस तरह के मैसेजेस आना स्टार्ट हो चुके हैं। क्वेश्चन मार्क के आ रहे हैं, तुम ऊपर से देख रही है व्लॉग के, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो अब हम आपको दिखाते हैं अरीब साहब के मैसेजेस, क्या कह रहे थे भाई आप? मैं कह रहा था अरीब आए नहीं, फिर हम उसे कैसे इग्नोर करेंगे? आने वाला है दावत के लिए, मैं होगी ना तैयार, उसने भी आके तैयार होना है, तब आएगा कि जब सारे ही उसको इग्नोर करेंगे, वो आके अपने कपड़े भी खुद इस्त्री करेगा। कपड़े भी खुद इस्त्री करेगा अपने। ये देखें जरा, मैं निकल रहा, रेडी रहना, सीन करके रिप्लाई नहीं कर रही, क्या हो गया? रेडी रहना, बस 5-10 मिनट में घर पहुंच रहा हूँ, ठीक है? 5-10 मिनट में वो घर, गाइस वो 5-10 मिनट में घर पहुंच रहा है, रेडी रहना आप लोग इग्नोर करने के लिए। और आगे से कमेंट कर, मैसेज कर रहा है, ये जुहान के पास फोन तो नहीं है? जुहान है ये रोबोट, कोई मसला है? आप बस नेट ऑन कर दो, इंटर एयरप्लेन मोड पे लगा देती हूं। हां कोई आ गए, अरीब तो नहीं आ, अरीब आया, अरीब आ गया, जुहान अरीब को इग्नोर करना चाचू को, ओके बच्चो, वो नंगू पटंगू टंगू मामू को इग्नोर करना है, ओके ओके भाई, सही हैवी वाला, मैंने कहा हाथ मिलाने आएंगे, कहूंगी अभी अभी चुप 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 चुप, आप भी तो इतनी प्यारी लग रही है ना रेड ड्रेस के साथ, आपने वो पहन रेड ड्रेस के साथ आप अच्छा लग रहा है ना, देखो कितना अच्छा लग रहा है, साथ आप ही ब्लैक कलर का जूते, बल्कि मैंने ही डिसाइड कर, भाई हेलो मैं कुछ बुला रहा हूँ, इयररिंग्स कैसे लग रहे हैं? मैंने कहा था सीशियल वाले इयररिंग पहनो, हाँ। मैंने सारा जैनब ने सारे जैनब ने कहा, फ्लैश चल रही है आपकी, आप भी आपको पता है राबिया की कॉल आ रही थी मुझे, तो राबिया को क्या कहा तुम? ये क्या हो रहा है? तो मैं भी यही बता रहा था, है तो कब तक जाना है आप यार? इतना तुम लोगों ने कब जाना है? अच्छी बनी है, अस्सलाम वालेकुम भाभी, अस्सलाम वालेकुम, ओ भाई क्या शुरू हो गया फिर से, क्या कर रहे हो?
अब कौन सा प्रैंक हो रहा है? मजा आया ना शॉपिंग करके आज हम लोग। अच्छा तुम्हें वो बच्चों के वो जो दो ड्रेसेस देखे थे, तुम क्यों लाल बड़ी बनी हुई हो? मैंने भाभी को दिखाया है, पसंद है ना। शक्तिया कुछ हो रहा है, मैं आप ही कमरा वगैरह भी साफ कर दूंगी, आप लोग जाना तो नाइट स्टे कर। हाँ मैंने दावत पे जाना तो तुम मेरी चीजें वगैरह सेट कर देना, तुम्हारा शॉप चढ़ रहा है ना अपना। तुम यहाँ रुक रही हो मेरे पास? मैं यही पे ही रुक रहा हूँ, यहाँ पे रुक रही हूँ मैं। जवाब ना मिला अगले 5 मिनट में, यहाँ पे रुक रही हूँ मैं, आपका कमरा सारा साफ कर दूंगी। पर PS5 में खेलूंगा थोड़ा। हाँ PS5 अकेली खेलोगी तुम? तो अकेले ही मुझे, मैं वैसे तैयार हो गई हूँ। मेरे साथ जो हो रहा है ना मैं आपको बता रहा हूँ, अगले 10 मिनट में ये सारे जवाब देंगे बकायदा, ठीक है। कैमरा तो एक का छीन लिया है, एक ही नब्ज ये है कैमरा, ठीक है। ये मेरे बिनोई भी मेरे साथ ये सारे मिलके प्रैंक कर रहे हैं, और ये भी प्रैंक कर रहा, ये भी मुझे प्रैंक नहीं जा रहा, ठीक है। नहीं जवाब देना। हेलो अच्छा लैशेज अच्छी हैं जनाब हैं। पता नहीं किसी ने मेरा फोन पकड़ लिया था, शुक्र है मेरा फोन मुझे गाइस वापस मिल गया, शुक्र है। और अब हम जो है वो रेडी हो चुके हैं, हम लोग दावत के लिए भी लेट हो रहे हैं। मानो आप किसके साथ जाओगी? दावत पे मैंने जाना है। आप भी दावत में कितने बजे तक जाना है? आप टाइम हमारा 8 बजे था। भाभी बड़ी हसीन लग रही है आज, क्या है माशाल्लाह, रूह पलंग आया आपे आपे पहला टारगेट। ये तेरा कैमरा वही तरफ हो गया, बड़े जनक को काफी कैमरा वही तरफ हो गया है। भाभी प्यारी लग रही है काफी। कब तक जाने आप भी? तू क्या चाहती है? मैं तुझे अपना कमरा तेरे हवाले करके दूँ। निकलो आप जल्दी बाहर। क्या हुआ? किस भूत ने मार दिया आपको? किस भूत होने वाले? जिसको जिसको चाची ने और स्पेशल है ना नंद, स्पेशल की डिश बनाने वाली नंद। ये लो फोन, तो आने फोन करो, ये लो फोन, ये फोन तोड़ा मेरा बेटा, ये लो फोन, मुझे फोन नहीं यूज करते। ये लो फोन जो आने, ये कार्ड आ गया मेरे पास मेरी बहन का, माशाल्लाह ये इस्तेमाल होगा आज, ये फोन भी आ गया। अच्छा मैं हम लोग निकलने लगे हैं, ठीक है फिर भाभी। और सुनाए क्या हालचाल है आपका? सब मिल रहे हैं, सब मिल रहे हैं, मिले रहो कोई बात नहीं, मिले रहो। तो ये तुम क्यों डैन की बनी हुई हो हैं? माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत डैन लग रही हो, लाल डैन है। क्या हो? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, डिफेंड करूंगी मैं, डिफेंड करूंगी, अच्छा लग रहा है, इग्नोर करूंगी। चलो इधर देखो बच्चे, सफाई बच्चे चढ़ो मुंह से निकालो जल्दी। ऐसे नहीं मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे, अस्तक करो। कौन मैं? कौन मैं? एक टारगेट हो गया, ठीक है, एक टारगेट हो गया। अस्सलाम वालेकुम भाभी। ये पानी वाला मजाक नहीं समझ रहा। कौन मैं? दूसरा टारगेट हो गया, ठीक है। बहना पक्की है, बहना बड़ी पक्की है मेरी, बहना नहीं मानेगी। आज बहना चले, हम अपना चलते हैं। हाँ बहना हम चलते हैं। बच्चे 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 बच्चों को लग रहा है मामा तो शब्द कर रहा है। मेरे साथ ये नहीं मैं अफोर्ड कर सकती गाइस। बच्चे डरा डरा डाले ड्राई कोला कहीं का उठना के नहीं। मानो 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 जाके अपनी बहन को कन्विंस कर रहे हैं। कपड़े खराब हो जाएंगे। अच्छा नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। पानी वाला क्या मजाक है? पानी वाला मानो मेरे बाल खराब हो रहे हैं। वो देख चाची को बचाने के लिए माफिया मांग रहा हूँ। देख देख ओए मेरा छोटू सा लड्डू। हाँ अब रीप याद आ गए, अब रीप याद आ गए। नहीं जवाब देना है। आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ तुम्हें, फिर मैं तुम्हें बता नहीं होगा। आखिरी वार्निंग है। आपने भी मैं तैयार हुई हुई हूँ यार, आपने मेरे सारे कपड़े। चाची को कुछ नहीं, चाची को कुछ कर रहा।
चाची का सगा। क्या मसला है, क्या मेरा मेकअप खराब कर दिया आपने यार? नजर आया ना नी? नहीं नजर आया, नजर आया ना? बाल नजर आया बीबी मुझे, ये नजर आया आ बाल। अरे क्या करना है मैं बड़े मिलके आए थे चारों को हैंग करने हैं। मानो मैं सामने सी मानो अच्छा एक बात है, बहन अभी तक नहीं अग्री की, बहन ने मेकअप नहीं ना किया। ओहो बहन बहन ही नहीं माने अभी, दोनों पक्की है मेरे। तो अब मेरी भाभी इकरा और ज़ैनब कच्ची हैं, वो दस्ती हो जाएगी, इनको पानी मारना है। क्या कह रही हो? आधी स्टेट की है। क्या मुझे बता रही, सारा मेरा मेकअप और मानो देखना मेरा मेकअप कितना खराब हुआ। मेरा शहजादा उस बेचारे को आप जाके तैयार हो जाए जल्दी, मुझे कह रहे मैं आ रहा हूँ तैयार होने में, तैयार होके बैठी हूँ। दिल कर रहा था तंग करने का आपको, तंग किया था मैंने, बहुत तंग किया चाचू ने, बहुत तंग किया गट्टू। अरीब साहब आप खुद तो जाके पहले फटाफट तैयार हो के, मुझे तैयार हुई को खराब कर रहे हैं। आइंदा सोच समझ के इग्नोरिंग प्रैंक करना। अरे बस कर दे, आपको नहीं इग्नोर कर सकती जिंदगी, समझ आइए जाके आप तैयार हो जाओ। ऐश करो, तीन टारगेट तो मैंने अप्रूव कर दिए हैं। भाभी भी बहुत हाँ बहन का फोन उठाया ना, मुझे याद है मेरा फोन 5000 रुपया था। भाभी वेरी स्मार्ट, चले आप तैयार हो जाके। नहीं A few moments later. चले जी गाइस, मैं जो हूँ वो फिर से रेडी हो चुकी हूँ अपने हस्बैंड साहब की फरमाइश पे। उन्होंने मुझे अब ये तैयार करवाया कि करा कवल ये कपड़े पहन के तो ऐसे, और मेरी जो स्टाइलिस्ट है वो मेरी बहन प्रो मैक्स। ओए होए 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 तो बात ही अलग है ना। ओए होए भाई चले फुल लुक दिखाओ, बड़ी मशहूर सेट की है। चलो जी हम निकले, काफी लेट हो गए हैं। यस हम लोगों को निकलना चाहिए क्योंकि हम लेट हो गए। आई बड़ी इग्नोरिंग चैलेंज, यकीन करें अरे पानी वाला क्या मजाक है, तैयार हुई लड़की में कोई पानी फेंकता है और क्या करते हैं जाते हैं। पिछली बार इस बंदे ने चटनी पकड़ कर सोफा पे खड़ा हो गया। चलो जी गाइस अब निकलते हैं और जल्दी से पहुंचते हैं वहां पे, लेट्स गो। एक लड़का इतना खूबसूरत लग रहा है जिसको मैंने आज इग्नोर करना था, लेकिन मुझे लग रहा है तैयार होने के बाद ये मेरे से इग्नोर नहीं होगा। अच्छा लोगों को ये तो बताएं कि हम लोग जा कहां रहे हैं। गाइस हम लोग जा रहे हैं अरीब के बेस्ट फ्रेंड की तरफ, दावत है। देखो लड़कों में बेस्ट फ्रेंड नहीं होते भाई होते हैं, ठीक है ना, लड़कियों में होता है बेस्ट फ्रेंड। आपके वो बचपन के फ्रेंड हैं जिनसे मैं मिली हुई हूँ, हमारी शादी पे भी आए थे। तो भाई उसकी मदर गई हुई थी वो अमेरिका, ठीक है, उनका भाई वहाँ पे होता है, उनकी बेटी भी वहाँ पे होती है, सॉरी कनाडा वहाँ गई हुई थी, तो वो अभी वापस आई है। तो शादी पे वो आई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं दावत करनी है अपनी बहू की। मैंने ना तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैंने अपने घर के बाद ना ज्यादा टाइम, सबसे ज्यादा टाइम इसके घर गुजारा है, जितने खाने मैंने आंटी के हाथ के खाए हैं ना। वाह वाह वाह, अब मुझे खिलाने के लिए बड़े अच्छी कुक है आंटी। आज तुम्हें लेके जा रहा हूँ उनके हाथ के खाना खिलाने के लिए, ठीक है, उन्होंने स्पेशल बुलाया है, मैं कहा जाके मिलते हैं। चलें गाइस, मेरी जो उसकी बहन भी आई हुई है, उनकी बेटी हुई है, ठीक ठीक ठीक, सारी समझ आ गई है आपको गाइस, देखिए अरीब साहब के जो है ना वो भाई की तरफ अब जा रहे हैं, समझे कि मैं अपनी सासू माँ से मिलने के लिए। हाँ जी ठीक है, अरे मुझे बताया मैं वहाँ पे व्लॉगिंग कर लूंगी, वहाँ व्लॉग बना लूंगी, क्या कहना करना कर लेना है तुम्हारे, सही लगे। मैं जाके हमेशा आपको पता अपनी ससुराल की फैमिली में कंफ्यूज हो जाती हूँ, ये भी समझे एक तरह के ससुराल में जा रही हूँ, तो लेट्स सी कि वहाँ अगर सिचुएशन हुई तो इंशाल्लाह व्लॉग बनाऊंगी, नहीं तो फिर जाके देखते हैं, लेट्स गो। हम लोग यहाँ पहुँच गए थे, अरीब सबसे ज्यादा शर्मा रहे हैं। मैं नहीं शर्मा रहा, तुम ऑकवर्ड हो रही हो। अरीब नहीं शर्मा, देखिए आपने सैलेड डाल लिया, आपने आप शर्मा रहे हो। मैं तो तारीफ की हुई खाने की। गाइस देखिए इसका मुलाल हुआ है ना, कमेंट में बताएं। मेरा तो नहीं। भाई अब हम जो है पहले एपेटाइजर लेंगे, ये मेरा फेवरेट है भाई, हमस और बाकी सारी चीजें लेते हैं, और बाकी जो मेन मेन्यू है वो भाई अंदर है, वो आपको जाके दिखाते हैं। तो बाकियों से इंट्रोड्यूस नहीं करवाना। सारे डर रहे हैं, सारे डर रहे हैं। नहीं नहीं सब सब वैसे अम्मा से जिसके लिए हम आए हैं। सो क्यूटी बॉय माशाल्लाह, गाइस माशाल्लाह जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में। ये बेबी डॉल थी जिससे हम मिलने के लिए आए थे। 3 hours later. चले जी गाइस, फाइनली हम लोग वहाँ से आ चुके हैं भाई, खाना इतना मजे का था, इतना अच्छा। अरीब आपने सही कहा था, मेरी सासू माँ के हाथ में बहुत टेस्ट है, माल का खाना मैं था। नहीं थी, जल्दी जल्दी लेके गया। बहुत बहुत मजे का खाना था, लोग भी सब लोग बहुत अच्छे थे, मुझे ऐसे लग रहा था कि जब मुझे लग नहीं रहा था मैं फर्स्ट टाइम उन सब में बैठी हुई हूँ, बहुत अच्छा फील हुआ। वो कितनी प्यारी थी भाई, वो बहुत ही क्यूट थी, वो पूरा ऐसे जैसे कपकेक नहीं होता छोटा सा,
वो थी बिल्कुल बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह। अब बस यहाँ से सीधा पहुँचते हैं घर, क्योंकि मानो मोहतरमा भूखी है और रास्ते से उसके लिए कुछ खाने के लिए याद आ गया, मुझे भी मैसेज आया, मैंने देखा है ये, तो अभी रास्ते से हम उसके लिए कुछ खाना पिक करेंगे, फिर जाकर उसका हाल अहवाल लेते हैं। लेट्स गो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। चलें जी गाइस, मानो मोहतरमा हमारे घर में सेट होके बैठी हुई है, खाना आ गया तुम्हारा। एक दो घंटे का क्या है, तो ले एक दो घंटे चेक करो। एक दो घंटे कितने होते हैं, प्लस वन प्लस टू थ्री, तीन घंटे बाद हम आ गए। अरीब का मैथ्स बहुत अच्छा है। रात के दो बजे गए, कितने बजे थे आप लोग? हम 10 बजे। 8 बजे? 9 बजे। 8 बजे? 9 बजे। मैंने अपने फोन पे टाइम देखा था, 8:04 हो रहे थे और अभी 2:04 हो रहे हैं। खाना कुछ खाया कि नहीं? लेके आए हैं, खाई थी, मुझे समझ ही नहीं आई थी क्या, मैंने कहा ऑर्डर कर लूं। तुम्हारे लिए ले आए, ले आए, अब बैठ के तुम खाना शाना खाओ। चले जी, मानो मोहतरम ने खाना शाना खा लिया है। मानो मोहतरम खाना शाना खा के ये फीफा लगा के बैठे, ये मेरे हस्बैंड साहब गेम खेल रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों जेमिनाइज जो है ना, ये आराम से बैठ के, इन लोगों की तो भैया आज पार्टी है। मैं चलिए अपने कमरे में फ्रेश होकर सोने, भाई मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं करने लगी हूँ रेस्ट। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग, आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। कोशिश बहुत की थी अरीब को इग्नोर करने की, लेकिन कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता है ये ना इग्नोर चैंपियन। लेकिन अरीब चैंपियन फीफा में, सिर्फ बताऊंगी जिस दिन पक्के वाला इग्नोर करूंगी। मैं सोच रहा हूँ गेमिंग चैनल स्टार्ट करूँ। क्या कर ले? गेमिंग चैनल स्टार्ट कर लूँ, लोगों के साथ गेम खेला करूँ। आपकी क्या राय है? मेरी तो राय है कि हाँ, अगर अच्छा लग रहा तो कर ले भाई। अभी फिलहाल मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।